तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? अगर कोई और मिल गई है तो साफ बोलो। साफ। तो यहाँ पे अभी हमें डीएफए के तीन एग्जांपल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस थे, जिसमें लाइक गेट क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, आपको लाइक लॉजिक तो पता होता है पर आपको क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट वुड बी इनफ डायग्राम ऑफ दिस एंड दिस डीएफए, ओके। और क्वेश्चंस क्या रहेगा कि व्हाट इज नंबर ऑफ स्टेट्स, और क्वेश्चंस क्या रहेगा व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट कैन बी अवेलेबल इन डीएफए, कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस डीएफए और नॉट, लाइक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस गेट में बहुत बहुत मतलब लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन है, दे आर लाइक स्कोरिंग पॉइंट वहीं पे है, ओके आपका गेट का। तो लाइक इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार गेट में कि डिजाइन अ डीएफए विच विल स्टार्ट विद द स्ट्रिंग ए बी बी ओवर द अल्फाबेट, ऑब्वियसली मैंने आपको एक ही लॉजिक बोला है, ओवर द अल्फाबेट ये क्या होगा, लॉजिकली समझ जाना है ए और बी के ऊपर होगा। तो अभी इसकी हमें डीएफए कैसे बनाने, ये तीन ले लिया हमने, ओके ए इधर पास कर दिया, बी इधर पास कर दिया, बी इधर पास कर दिया, ये हो गई अपनी Q0, Q1, Q2, Q3, ये कुछ भी दे सकते हो आप, नहीं तो खाली भी रख सकते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, गेट में ये सब मैटर नहीं करता कि आपको बस फास्टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, ना कि आपको ट्रांजिशन टेबल बनाते बैठना है, ना कि आपको लैंग्वेज लेते बैठनी है। लैंग्वेज ओके, लैंग्वेज देख लेंगे, ओके लैंग्वेज का क्या सीन है, बहुतों को लैंग्वेज के थ्रू ईजी जाता है ये टॉपिक में ना, लैंग्वेज जितने बार बनाओगे ना आप सभी टॉपिक में, आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं सब में लैंग्वेज बनाना, जिसको लैंग्वेज बनाना आ गया ना वो आराम से ये सब टॉपिक में फास्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ए बी बी से स्टार्टिंग वाले स्ट्रिंग बताओ, ए बी बी हो गई पहली, तो ए बी 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 हो गई, बाद में क्या होगी, ए बी 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 ए हो गई, बाद में ए बी 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 हो गई, तो ये वाली क्या हो गई, ए बी बी से स्टार्टिंग है, ओके ए बी बी स्टार्टिंग वाली क्या हो गई पहली, तो एक्सेप्ट हो गई हमारी। बाद में अगर देखो अभी अगर स्टार्टिंग में बी आया, ओके स्टार्टिंग में बी आया तो क्या करना है हमें, वो डेड स्टेट में पहुंचा देना है। डेड स्टेट होती है, आपको बोला था हमें डीएफए में क्या होती है, डेड स्टेट होती है, इसमें सीधी सीधा हमें डी लिख देंगे, डी से डेड स्टेट ऐसा कुछ याद रख लो। अभी अगर ये जान लो कि इधर ए बी बी से क्या है, स्टार्टिंग होनी चाहिए स्ट्रिंग की, तो ए बी बी से स्टार्टिंग ऑलरेडी है, तो ए कहाँ जाएगा, अगर ए डबल रिपीट हुआ तो ए यहां जा रहा है, बाद में इधर से ए कहाँ जाएगा, ए इधर जा रहा है, और इसके बाद अगर बी आया, बी आया तो ही क्या करेंगे हम, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ए आया तो क्या करेंगे, फिर से भेज देंगे। तो देखो अभी ए इधर से कितने एलिमेंट पास हुए, ए बी, इधर से कितने पास हुए, ए बी, इधर से किससे पास हुए, ए बी, और इधर से क्या हुआ, बी ए हो गए, हर एक स्टेट पे से दो दो पास हो गए, हमारा रूल फॉलो हो गया, दिस इज अ डी एफ ए। और इसमें क्वेश्चन क्या था गेट का कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, डेड स्टेट को कैलकुलेट किया जाता है क्या, नहीं, तो हमारे स्टेट्स कितने, 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर क्या था, 4। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस था, 9 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से सीधा ऐसा एक कैलकुलेटर जैसा बॉक्स दिया रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उधर 4 सेलेक्ट करना है, राइट कर देना है, आपके 2 मार्क आ गए गेट के। 2 मार्क मतलब नियरली ये जान के रख लो कि 10,000 रैंक, समझ रहे हो, लिटरली आप 10,000 रैंक को क्रॉस कर रहे हो, 2-2 मार्क की बात होती है और 10,000 रैंक का गैप होता है। तो एंडिंग विथ 10, अभी इसकी लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज इज इट विजिबल राइट, ओके ओके, तो इसकी लैंग्वेज देख लो, एंडिंग विथ 10, 010 हो सकता है। पहले तो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ढूंढनी है, क्योंकि हमारा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना उस पे से डिपेंड है, एंडिंग विथ क्या है, 10, 10 आ गया, 010 आ गया, 110 आ गया, 1110, हाँ 1110, 0010, ऐसे कितने भी अनलिमिटेड टाइम तक आप स्ट्रिंग ले सकते हो। ये सभी स्ट्रिंग क्या होना, एक्सेप्ट होना, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आए तो क्या होना, वो रिजेक्ट होना, दिस इज द प्राइमरी रूल ऑफ डीएफए। तो इसकी 1 और 0 है, तो पहले क्या मैंने बताया आपको, 0, 1 ले लेना है, बाद में 0, 1, 0 हो गई, अपना अपना करके लेना, इतना तो स्टेप्स हो गया। ये क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट 3 आ गया आंसर। तो अभी इसको मॉडिफाई कैसे करना है, 1 और 0 क्या हो गया, एंडिंग विथ 1 और 0 एक्सेप्ट करना है, तो ये क्या हो गई हमारी फाइनल स्टेट,
ये क्या हो गई हमारी फाइनल स्टेट। अभी फाइनल स्टेट पे हर एक से क्या, इधर से वन गया है, इधर से क्या जाना चाहिए, देखो देखो ये वाली स्ट्रिंग पकड़ के चल लो, 010 010 एंडिंग में क्या है 10 0 का क्या कर देंगे हम सीधा सेल्फ लूप। हो गई ये 010 एक्सेप्ट हो गई, ओके 110 110 ओके इधर क्या डालेंगे हम फिर वन का सेल्फ लूप 110 हो गई एक्सेप्ट। इतना सिंपल टॉपिक है, ओके ये वाले देखो 1110 1110 ओके 0010 0010 एक आधी और एक स्ट्रिंग लेंगे, जैसे कि क्या हो गई अपनी 10 ये हो सकता है क्योंकि 10 पास ऑन हो गया, फिर क्या हो गया 10 ये हो गया, तो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है हमें, एंडिंग भी तो 10 ही है ना, 1 आ गए हम इधर इधर तक आ गए, बाद में 0 से इधर तक आ गए, फिर अभी हमें और एक बार क्या लेना है 1 ले लेना है, तो 1 इधर से इधर डाल लो। ये एक चीज है ना, ये एक चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पीडीए और ट्यूरिंग मशीन के टाइम पे, तो ये वाली चीज याद रख लो, ये कहां से डालना है यहाँ पे। अभी क्या होता है उससे देखो 10 10 10 0 10 0 पहुंच गया फिर से फाइनल स्टेट पे, हो गई हमारी डीएफए कंस्ट्रक्ट। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं गेट को, इधर ट्यूरिंग मशीन लाइक पूरे पूरे लाइक टीओसी में एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए गेट के टाइम पे, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है, और लाइक प्राइवेट थ्योरी एग्जाम्स के लिए भी डीएफए और अल्फाबेट 0 and 1 फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स हैविंग नंबर 1 एज मल्टीपल ऑफ 3 ओके क्या है देख लो, पहले क्वेश्चन समझ लो, ओवर अल्फाबेट 1 0 and 1 फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स हैविंग नंबर ऑफ 1s एज मल्टीपल ऑफ 3 वंस क्या होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 लाइक पहली क्या होगी 1 1 1 ये हो गई मल्टीपल ऑफ 3 है, बाद में 0 1 1 1 बाद में 0 0 1 1 1 बाद में 0 1 1 1 ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, बाद में 0 0 0 1 1 1 ओके अभी ये कितना 3 बार लेना है मल्टीपल ऑफ 3 तो सिंपली बात है अभी क्या कर सकते हैं हम इधर 6 टाइम्स भी ले सकते हैं 1 1 1 1 1 1 और इसके आगे पीछे जोड़ो 0 ये बकचोदी चलती रहेगी, बस आपको समझना क्या है लॉजिक 1 1 1 हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली क्या बनाएंगे हम अपना डीएफए बनाएंगे, तो इधर क्या करेंगे हम पहला तो रूल बताया मैंने सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग लेनी है उसके उससे एक ज्यादा, इधर 3 है तो इधर कितने बने हमारे 4 अंडे बन गए, 4 अंडों में से 1 1 1 पास हो गया और ये क्या हो गई हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, तो ये क्या हो गई फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट अभी 0 आगे आ गया 0 1 1 1 डाल दो ये सेल्फ लूप, बाद में 0 0 1 1 1 यही एक्सेप्ट हो जाएगा 0 0 0 देखो 1 1 1 ओके ये क्या है फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स हैविंग ओके स्ट्रिंग्स है कहीं पे भी 0 1 1 हो सकता है, तो ये 0 भी आ गया ये भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ सकता है ओके हो गई हमारी बस 1 1 1 एक्सेप्ट होनी चाहिए दैट इज एज सिंपल एज दैट ओके 1 1 1 एक्सेप्ट होगी। पर अभी अगली कंडीशन क्या है हमारी 1 1 1 1 1 1 तो इसको कैसे एक्सेप्ट करें वो देखो 1 1 1 तीन बार हो गया, अभी तीन बार करना है तो ये वाला इधर अगर जोड़ा हमने 1 2 3 बाद में 1 2 3 फाइनल शेड पे आ गए, अगर इधर जोड़ा होता तो क्या होता 7 7 1 एक्सेप्ट होते, तो ये क्या किया हमने देखो एक इधर देखो एक पास हो गया, बाद में दूसरा वाला इधर पास हो गया, तीसरा वाला इधर पास हो गया, चौथा वाला इधर से इधर आ गया, फिर पांचवा वाला इधर से पास हो गया और छठा वाला इधर, छठा वाला क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया, मतलब 3 एक्सेप्ट हो गए 6 एक्सेप्ट हो गए। अभी 9 का ट्राई करेंगे ओके 9 का यही डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया एक्सेप्ट, तो इतना सिंपल है ये डीएफए का। थैंक यू। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो जाने से आंसर चेंज हो जाता है, सो रीड वेरी केयरफुली। जैसे हम कहते हैं कि चलो पूजा करते हैं या फिर चलो पूजा करते हैं, तो अलग अलग मतलब हो जाता है, सो रीड केयरफुली।